हेलो गाइस, नॉलेज जंक्शन मैप 1991 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब में वीक डे फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आ प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल ई एक्स ई एल। ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है। देख सकते हैं हमारा डेटा सेव है। ये लिखा है हमने डेट, यानी कि हमें क्या लगाना है, वीकडे फंक्शन। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सेल पर। हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में, देख सकते हैं डेट एंड टाइम ये लिखा है टुडे। कल हमने टुडे फंक्शन के बारे में बताया था। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा वीक डे। वीक डे का मतलब है ये जो हमारा डेट लिखा हुआ है, यानी कि वीक डे फंक्शन का उपयोग किसी कोई भी डेट जो लिखा हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, डे निकालना है। क्या निकालना है, सप्ताह के दिन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो गया है। ये लिखा है सीरियल नंबर, यानी कि हम क्या टाइप करें यहां पर, ये जो लिखा हुआ है मार्च 1, 2024, तो हम यहां पर टाइप करेंगे 0 1। दे सकते हैं डैश लगाएंगे, यानी हाइफन मार्च डैश लगाएंगे सन 2024। दे सकते हैं रिटर्न टाइप, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला अभी, नेम एरर। अगर हम दूसरा तरीका बताएंगे जैसे ये लिखा है बन और ओमिटेड संडे इजुकल टू बन, सैटरडे इज इक्वल टू 7। यानी कि अगर हम संडे स्टार्ट लेंगे, संडे से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 डे सैटरडे। अगर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 7 डे लास्ट संडे आएगा। अगर हम मंडे 3 मंडे ये लिखा है तो हमारा क्या आंसर निकलेगा, संडे। तो हम दूसरा तरीका लगाएं यहां पर इक्वल बराबर, क्या टाइप करें यहां पर, वीक डे फंक्शन। देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो हो गया। इस पर क्लिक करेंगे सीरियल नंबर, यानी कि शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा ओपन 01। दे सकते हैं डैश लगाएंगे, यानी हाइफन टाइप करेंगे मार्च डैश लगाएंगे सन 2024, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट यानी कि इन्वर्टर कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे रिटर्न
हिटर यहां पर क्या देंगे, वन दे सकते हैं, वन। तो हमने वन टाइप कर दिया है शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं आंसर हमारा क्या आया है, सिक्स। अगर हम यहां पर जो हमने क्या टाइप करते हैं यहां पर वन कोमा लगा करके, अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, तब भी हमारा नेम एरर शो कर रहा है। अगला एग्जांपल दे सकते हैं, वीक डे विद डिफरेंट रिटर्न टाइप। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इस जगह इक्वल वीक डे फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें लिख करेंगे सीरियल नंबर यानी कि शिफ्ट साइड कमा ओपन 01 हाइपन या डैश मार्च हाइपन, अब क्या टाइप करेंगे 2024 शिफ्ट के साथ इनवर्टर कॉमा क्लोज कॉमा लगाएंगे रिटर्न टाइप, इस बार हम क्या रहेंगे टू, टू टाइप करेंगे शिफ्ट साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं आंसर हमारा 5 डेज निकला है। अगला एग्जांपल, अगला फॉर्मूला यहां पर हम टाइप करेंगे इक्वल बराबर, अब हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहां पर दे सकते हैं वीक डे टेस्ट फंक्शन, तो यहां पर पहले करेंगे टेस्ट फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें फिल करेंगे वैल्यू, वैल्यू मारा क्या रहेगा ये सर जो हमने टाइप कर रखा है यहां पर एक मास सन 2024, तो हम क्या टाइप करेंगे यहां पर शिफ्ट के साथ एंटर कमा ओपन 01 डैश क्या लगाएंगे डैश मार्च डैश सन 2024 शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा क्लोज कॉमा लगवाएंगे फॉर्मेट टेस्ट, हमें क्या देना है यहां पर डेज निकालना है, हमें वीक डेज ये लिखा है, डेज नेम क्या हमें डिस्प्ले करना है यहां पर डे नेम, तो यहां पर टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा ओपन डी डी डी, और बार टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा क्लोज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं आंसर हमारा निकला है फ्राइडे, दे सकते हैं। अगला एग्जांपल हमने क्या टाइप कर रखा है यहां पर करंट डेट, हमें क्या निकालना है वीक डे इक्वल क्या लगाएंगे वीक डे, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें टिक करेंगे सीरियल नंबर यानी कि ESL A6 रिटर्न टाइप, इसको हम अभी इग्नोर करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है बंडेज। और हम इसी को यहां से लें डेट एंड टाइम फंक्शन से, तो क्या शो करता है वीक डे, सेल में कैसा रखेंगे वीक डे, और हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे A6 ओके पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। अब हम इक्वल बराबर वीक डे
दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो गया, इसमें करेंगे सीरियल नंबर ASL A6 कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप इस बार हम बन लेंगे, दे सकते हैं शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा, वन। कोई फर्क नहीं पड़ा है, अब हम वन की जगह टू लेंगे, यानी इक्वल वीक डे दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो गया, इसमें लुक करेंगे सीरियल नंबर यानी ASL A6 कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप टू टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है, 7 days राइट आंसर निकला है। अगर आपको किस पर ध्यान देना होगा, कॉन्सेप्ट पर, ये जो हमने टैग कर रखा है वन यानी संडे, टू सैटरडे, मंडे से स्टार्ट हो तो संडे, मंडे से स्टार्ट हो तो संडे, मेन ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगला एग्जांपल है, हमने टैग कर रखा है 15 अगस्त सन 2024, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, वीक डे, पहले हम इक्वल लगाएंगे, वीक डे सीरियल नंबर, यहां पर हम क्या लेंगे, शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा ओपन, क्या टाइप करेंगे यहां पर, ये जो 15 अगस्त सन 2024 लिखा है तो शिफ्ट के साथ हमने इन्वर्टर कॉमा ओपन कर लिया है, यहां पर टाइप करेंगे 15 डैश लगाएंगे यानी हाइफन, टाइप करेंगे अगस्त, डैश लगाएंगे हाइफन, टाइप करेंगे 2024 सन, शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप हम क्या लेंगे, टू, तो टू टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं डेज हमारे वो निकल के आए हैं, यानी कि आई डेट 12 है यानी 12, 12 से हम जोड़ेंगे यानी डेज तो दे सकते हैं चौथा दिन पड़ेगा, राइट आंसर है। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, यूजिंग वीक डे विद टेस्ट फंक्शन का यूज करेंगे, जबरदस्त फॉर्मूला है ध्यान देना होगा, इक्वल बराबर लगाएंगे, कौन सा फंक्शन, टेस्ट फंक्शन दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो गया, इसमें करेंगे वैल्यू, वैल्यू हमारा करेगा वीक डे दे सकते हैं, फॉर्म हमारा सो गया, इसमें करेंगे सीरियल नंबर यानी कि फिर से यही सेल तो हम क्या टाइप करेंगे, 15 यानी 15 शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा ओपन, पहले टाइप करेंगे 15 डैश यानी हाइफन अगस्त डैश यानी हाइफन सन 2024 शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा क्लोज, शिफ्ट क्लोज कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप क्या लेंगे हम, वन, वन टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फॉर्मेट टेस्ट में क्या लगाना है, डे दे सकते हैं, ये लिखा है डे लाइक थर्सडे, यानी कौन सा दिन होगा, तो हम यहां पर टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा ओपन DD फोर बार टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ इन्वर्टर कॉमा क्लोज शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज,
कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है, थर्सडे, यानी कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, थर्सडे, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सी टू पर पहुंचेंगे, हमने डेट टाइप कर रखा है, कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर हम, फाइंडिंग द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू डे ऑफ द वीक, यानी कि एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे बी डे के साथ, फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एडवांस वीडियो देखने के लिए, फिर बाद में आप पछताएंगे। इक्वल यानी बराबर क्या टाइप करेंगे, एबीएस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, इस पर डबल क्लिक करेंगे, नंबर, नंबर हमारा क्या रहेगा, वीक डे, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो हो गया, इस पर क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर हम यहां पर क्या लेंगे, ये सेल A1, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप टू टाइप करेंगे। अभी हमने आपको बताया था, ध्यान देना होगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमें क्या देना है यहां पर, डिफरेंस यानी माइनस यानी हाफन, हम क्या करेंगे अगला सेल निकालेंगे तो हम क्या देंगे यहां पर, बिग डे, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो गया, इसमें क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर यानी ये सेल A2, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप टू टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एबीएस का ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं आंसर निकल आया है। ये प्लस का निशान है, इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, क्या आंसर निकला है, 3 days और 4 days, राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल C3 पर पहुंचेंगे, हमने क्या टाइप कर रखा है यहाँ पर, डेट, हमें क्या निकालना है, कौन सा फंक्शन यूज करें यहां पर, बिग डे विद इफ फंक्शन, जब इस फॉर्मूला है यहां पर टाइप करेंगे इक्वल, या फिर हम यहां पर भी टाइप कर सकते हैं इक्वल बराबर इफ फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो गया, इस पर क्लिक करेंगे, लॉजिकल टेस्ट यानी कि और फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो गया, इस पर क्लिक करेंगे, लॉजिकल वन यानी वीक डे फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो गया, इस पर क्लिक करेंगे, सीरियल नंबर यानी कि ये सेल A1, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप वन टाइप करेंगे। अभी हमने आपको बताया था वन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम क्या करेंगे इक्वल बराबर लगाएंगे, 7 days, क्या लेना है हमें, मैं क्या चेक करना है, वीक डे या वीकेंड, तो हम यहां पर क्या लेंगे 7, कॉमा लगाएंगे, लॉजिकल टू यानी कि वीक डे फंक्शन, देख सकते हैं फॉर्म हमारा शो गया, शेड्यूल करेंगे, सीरियल नंबर क्या लेंगे हम, ये सेल A1, कॉमा लगाएंगे, सॉरी ये सेल हो गया, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप वन, अभी हमने
क्या किया था, वन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, लॉजिकल थ्री, यानी कि इस बार हम क्या टाइप करेंगे, कॉमा ना लगाएंगे, यहां पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल, क्या लगाएंगे, इक्वल। अभी हमने बिग डे में इक्वल लगाया था, इसी तरह यहां पर इक्वल लगाएंगे, क्या टाइप करेंगे, वन। वीकेंड निकालना है वन, अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ट्रू, अगर ये शेयर राइट है तो हम क्या पास करेंगे, वीकेंड, क्या टाइप करेंगे, लिखा है वीकेंड, शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कॉमा ओपन, वीकेंड शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स, अगर ये शेयर रॉन्ग है तो क्या पास करेंगे, वीक डे, क्या पास करेंगे, वीक डे, शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कॉमा ओपन, वीक डे, शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कॉमा क्लोज, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला हमारा, बिग डे राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल, सीट फोर पर पहुंचेंगे, हमने डेट टाइप कर रखा है 15 अगस्त 2024, डे नंबर और टास्क, यानी कि प्लानिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू और रेस्ट में क्या निकालना है, असाइन टास्क बेस्ड ऑन द डे ऑफ द वीक, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वीक डे के साथ वी लुकअप फंक्शन, जबरदस्त फॉर्मूला है, जरा ध्यान देना होगा इस पर, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसको लुक करेंगे, लुकअप वैल्यू, यानी कि ये जो हमने डेट टाइप कर रखा है करंट डेट, तो हम टू डे क्या लेंगे यहाँ पर, टू डे या फिर वीक डे, टू डे नहीं लेंगे अभी, वीक डे में लिखाना है, तो लुकअप वैल्यू वीक डे, ध्यान दे रहा होगा, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्या रहेगा हमारा, ये सेल हमने जो डेट टाइप कर रखा है यहाँ पर A1, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप यानी वन टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, हमने डे नंबर और टास्क टाइप कर रखा है तो हम पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, दे सकते हैं F2 से G8, यानी F कॉलम, 2 हमारा रो, G कॉलम और लास्ट रेंज 8 रो, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, डे नंबर और टास्क यानी 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रेंज लुकअप यानी फास्ट एस्टीमेट, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है, डॉक्यूमेंशन, दे सकते हैं 5th नंबर पर राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल, लास्ट सीट 5 पर पहुंचेंगे, डिस्प्ले द डे ऑफ द वीक फॉर टुडे डेट, जबरदस्त फॉर्मूला है, यानी कि पीक डे फंक्शन के साथ टुडे फंक्शन का यूज करेंगे, ये भी हमारा जबरदस्त फॉर्मूला है, पहले हम क्या टाइप करेंगे, टुडे,
क्या टाइप करेंगे टूडे, यानी कि इक्वल लगा दिया हमने टूडे फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्म हमारा शो है, इस पर शेड्यूल करेंगे शिफ्ट के साथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं करंट डेट निकल आया है। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन टुडे डे ऑफ द वीक, यानी कि हमें क्या प्रदर्शित करना है, क्या हाईलाइट करना है, जो डेट जो लिखा हुआ है तो वो हमें डे निकालना है, हाईलाइट क्या है मंडे। तो हम यहां पर फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल वीक डे, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गैस कंट्रोल करेंगे सीरियल नंबर यानी टुडे फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गैस कंट्रोल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे कॉमा, रिटर्न टाइप क्या टाइप करें यहाँ पर वन, बताया था हमने आपको वन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है टू। और इसी तरह हम क्या लेंगे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल वीक डे, यहाँ पर हम क्या निकालना है इक्वल बराबर लगाएंगे वीक डे, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो इस शेड्यूल करेंगे सीरियल नंबर टुडे फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो इस शेड्यूल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप इस बार हम टू टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे टू, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, दे सकते हैं इक्वल वन, क्या टाइप करेंगे वन, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है ट्रू, यानी कि जो हमने वीक डे निकाला है मंडे वो हमारा राइट है, इसलिए हमारा ट्रू आंसर निकला है। इसी तरह हम अगला एग्जांपल दे सकते हैं, कौन सा फंक्शन डिटरमाइन द डे ऑफ द वीक डे वीक ऑफ द करंट डेट एंड टाइम, यानी ना फंक्शन का यूज करेंगे वीक डे के साथ, ये भी हमारा जबरदस्त फॉर्मूला है, यहाँ पर कहीं भी हम कसर रख सकते हैं सेल में। इक्वल पहले हम नाउ फंक्शन लगाएंगे, देख सकते हैं इसको डबल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं करंट डेट यानी आज की डेट और करंट टाइम यानी कि अभी जो टाइम हुआ है 8:11 यानी जो लिखा है 20:11 यानी 8:11 राइट है अभी का करंट टाइम। यहाँ पर हम इसी तरह हम क्या निकालेंगे, हमें चेक करना है वीक डे ना फंक्शन के साथ मंडे है या क्या है, तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, या फिर हम नीचे लगा सकते हैं यहाँ पर इक्वल वीक डे, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गैस शेड्यूल करेंगे सीरियल नंबर यानी कि नाउ फंक्शन, दे सकते हैं शेड्यूल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप हम क्या देंगे वन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, आंसर क्या निकला हमारा टू, राइट आंसर निकला है। अब हम चेक करेंगे क्या टाइप करेंगे यहां पर इक्वल बराबर
वीक डे फंक्शन देख सकते हैं, हमारा शो शेड्यूल करेंगे। सीरियल नंबर यानी कि नाव फंक्शन शेड्यूल करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ रिटर्न टाइप यानी टू टाइप करेंगे। इससे पहले हमने क्या लिया था, वन, अब हम टू टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बराबर लगाएंगे, वन टाइप करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं क्या आंसर निकला है, ट्रू, यानी कि जो डेट और टाइम लिखा है वो राइट आंसर है, यानी कि मंडे। लास्ट एग्जांपल दे सकते हैं, डिटरमाइन द डे ऑफ द वीक फ्रॉम ए डेट विथ एक्स्ट्रा स्पेस, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यूज द ट्रिम फंक्शन। दे सकते हैं बी डे फंक्शन के, बी डे फंक्शन के साथ ये भी हमारा जबरदस्त फॉर्मूला है, इक्वल बराबर लगाएंगे वीक डे फंक्शन, दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें रूल करेंगे। सीरियल नंबर यानी ट्रम फंक्शन, ट्रम फंक्शन दे सकते हैं फॉर्म हमारा सो गया, इसमें रूल करेंगे। टेस्ट, टेस्ट हमारा क्या रहेगा, ये सेल ए वन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, रिटर्न टाइप वन टाइप करेंगे, कीबोर्ड में ब्रैकेट क्लोज करेंगे शिफ्ट के साथ, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं क्या आंसर निकला है, टू राइट आंसर निकला है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, अगर हमारा कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर एडवांस वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरह तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।